मुंबई के भाईकला विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 208 में आप आम पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इस कार्यालय से लोगों की समस्या को होगा निवारण। देखिए खबरें आज भी के लिए, मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बहुत दिन से सब लोग मेहनत कर रहे थे कि कार्यालय यहाँ पे 208 में होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक कार्यालय फोर्ट में था, एक कार्यालय माइम में था और मेन ऑफिस हमारा चकाला में था। लेकिन हम लोग वार्ड वाइज अभी ऑफिसेज खोल रहे, 209 में भी हमारा डॉकेट में अभी अपकमिंग वीक में हमारा ऑफिस खुलने जा रहा है। अब यहाँ पे लोगों को बहुत सारी समस्या है। एक तो बेसिक यहाँ पे समस्या पानी की है, यहाँ पे पानी ही नहीं आता है। मतलब दिन में सिर्फ एक घंटा पानी आता है, वो भी लोगों को सफिशेंट नहीं है। आज भी इतनी बड़ी महानगर पालिका है, 35-36,000 करोड़ का इसका साल का बजट है, लेकिन तो भी ये लोगों को पानी भी नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारे लोग पानी को लेकर परेशान है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली BMC के ई वार्ड में हमने लेटर दिया है पानी डिपार्टमेंट को, इनका पानी का शॉर्ट आउट करके देना चाहिए, नहीं तो हम लोग वहाँ पर भी हम लोग आंदोलन जाके करने वाले हैं। आप देखते रहोगे पीछे बड़े बड़े टावर यहाँ पे बन रहे हैं, वो सब पूरा पानी है। गरीब लोग का पानी सब अमीर लोग को देने का ये लोग का काम है। यहाँ के जो कॉरपोरेटर है वो चाहते हैं कि सब पानी गरीब लोग को मिल रहा है, जो सुविधा गरीब लोग को मिलनी चाहिए उनका सब पानी डाइवर्ट बड़े बड़े टावरों को हो रहा है। गरीबों को यहाँ पे पानी भी नहीं दे पा रहे यहाँ के लोग। इतनी बड़ी कॉरपोरेशन में अगर पानी, अच्छी स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, ये छोटी छोटी चीज़ें ही लोगों को चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें अगर ये कॉरपोरेशन नहीं देना चाहती है तो फिर कैसा काम चलेगा। कॉरपोरेशन ये छोटा ही काम नहीं कर पा रही है। क्या लगता है इस ऑफिस खुलने से लोगों को कितना लाभ? नहीं, लोगों को हम लोग बहुत सारा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कल से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि श्रम कार्ड लोगों को, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का BOCW का स्कीम है। जैसे BOCW के स्कीम में सिर्फ अभी जो लेबर जो काम करते कंस्ट्रक्शन में वही लोग कवर हो रहे, लेकिन जो डेली बेसिस पे नाके पे काम करते हैं, जो छोटे छोटे वर्कर है, वो लोग को भी वो स्कीम्स में हम लोग लाना चाहते हैं। जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है वो सारे यहाँ से, ये ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करेंगे, और जो भी छोटी छोटी समस्या है उसको लेके हम लोगों के साथ में संघर्ष करेंगे। हम लोग आपको बीच में भी, आपने जो बाइट लिया था, हमने आपको बताया था कि हम लोग कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। सब लोग अभी आप पिछला भी इलेक्शन देखोगे, पिछले इलेक्शन को हमने भी फॉलो किया, 2017 का जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, ये जो 208 में जितने भी लोग खड़े थे सब 8वीं 9वीं 10वीं इतने ही लोग पढ़े लिखे थे। अब लोग अनपढ़ लोग को चुनना चाहते हैं, उसमें हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। अभी लोगों को अच्छा चांस है, सारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार है, सारी चीज़ें समझते हैं और एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी 8वीं 9वीं 10वीं वाले खड़े हो जाते, लोग हवा में उनको वोट दे देते। लोगों ने अभी वोट की उनकी ताकत को समझना ज़रूरी है। लोगों ने समझना चाहिए कि वोट वो दे रहे हैं तो उनका वोट का कितना वैल्यू है। एक बार वोट दे दिया तो 5 साल के लिए चले गए उनके हाथ में, तो वो बस लूटने के लिए बैठे। गरीब लोग के पास ध्यान देने के लिए उनको टाइम नहीं है। अगर हमको मौका मिलता है आने वाले समय में तो हम लोग नौकर बन के काम करेंगे, और लोग जो चुन के देंगे, अब जो वार्ड में लोग रहेंगे उनको लगेगा कि हमने एक नौकर को चुना है। कभी भी बुलाया पहुंच गए, एक सर्वेंट जैसे हम लोग काम करते हम, तो हम सर्वेंट जैसा बिहेव करते, कभी बुलाया वहाँ पहुंच जाते। अभी आप नौकरी करते हो कहीं पे तो सर्वेंट जैसे रहते हो, नौकर जैसा रहते हो। हम भी सोचते कि अगर हम लोग, अगर मौका मिले तो ये सारे आवाम का नौकर कैसा होता है। एक उन्होंने लड़के को चुना, एक नौकर को चुना, उनको ये फील ला के देंगे कि आपने नौकर को चुना है, आपने साहब को नहीं चुना। एक नगर सेवक आपका नौकर होता है, ये उनको जरूर दिखा के देंगे। और लोगों में एक विश्वास है। अभी आप देखते रहोगे, हमने बीच में बोर्ड का ओपनिंग किया था, अभी सैकड़ों लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते, लोगों के घर पे जाते, लोगों का आशीर्वाद लेते, लोगों को हम दिल्ली मॉडल के बारे में समझाते,
तो लोग खुल के हमारे से आशीर्वाद दे रहे, लोग जुड़ रहे। तो मुझे पूरा विश्वास है पूरे मुंबई में भी और भाईकेला के हमारे ये 6 वार्ड जो है 184 में आते हैं उसमें से हमारे सारे कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और चुन के आएंगे। मैं महेश दोषी आम आदमी पार्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर आज कार्यालय का उद्घाटन है, किस तरह से जनता तक पहुँचेंगे? बस हम धीरे धीरे हर जगह कार्यालय खोलने की कोशिश कर रहे हैं। 236 वार्ड पर हमारे कार्यालय खुले धीरे धीरे। अभी 50 से 55 हमने वार्ड अध्यक्ष डिक्लेयर कर लिए हैं और आशा करते हैं जल्द से जल्द जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे और जो यानी नागरिकों का ध्यान रखे ऐसे बंधुओं को ढूंढ ढूंढ कर हम चांस दे रहे हैं। उद्घाटन होना चाहिए, उद्घाटन हुआ है, अच्छा हुआ है और यही मकसद है आम आदमी पार्टी का कि दिल्ली मॉडल पूरे भारत में लगे, उसी की शुरुआत है। आज भाईकल्ला विधानसभा में ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। नेताओं की जो लूट मची हुई है पार्टी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाना है और आम आदमी को राजनीति में उतारना है, ये कॉन्सेप्ट है। ताकि वो बोलते हैं जनता का नौकर बन के काम करे, लेकिन आपका जो वोट लेके जाता है, आप जिनको जिताते थे आते थे पहले, वो साहब बन के घूमते हैं। ऑफिस में जाते हो तो साहब साहब करके बात करते हो, लेकिन वो साहब नहीं है, नगर सेवक है, मतलब रिस्पेक्टिव शब्द है। इन्होंने सिर्फ लूट खसूट और आम आदमी के हक को मारा है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि घर घर आम आदमी को इंसाफ मिले, शिक्षा, अस्पताल, पानी, मतलब जो मूलभूत सुविधा होती है, ये मिशन के हिसाब से हम लोग लगे हैं संघर्ष में और ये ऑफिस का उद्घाटन इसी का एक पार्ट है। आगे आने वाले टाइम में आम आदमी को रिलीफ मिले, आम आदमी को उसका हक मिले, इसका प्रयास चालू है। क्या कहेंगे, किस तरह से जनता के बीच आपका जनसंपर्क चालू है? सर मेरा नाम इमरान है, इमरान मुल्ला, और मैं 209 वार्ड से हूँ आम आदमी पार्टी से वार्ड प्रेसिडेंट पे। मैं ये बोलूँगा कि जो ऑफिस खोला जा रहा है वो लोगों के मसले और मसाइल को हल करने के लिए खोला जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे, अगर एक आम कॉरपोरेटर अगर चाहे तो अपने इलाकों के अंदर वो खुद हर दिन विजिट कर सकता है, बट उसके पास इतना वक्त नहीं है अभी कि आम जनता को उस क्वेश्चन और आंसर का सवाल का जवाब दे सके और उनके मसले को हल कर सके। और ये ऑफिस इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि जितने लोकल इश्यूज होते वो यहाँ पर आके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते और उसको जो चाहिए वो चीज़ हम यहाँ से लेटर बना के या जो उसको हेल्प चाहिए हम उस हिसाब से कर सकते। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर एक नॉर्मल कॉरपोरेटर अपनी अगर जिम्मेदारी से सही काम करने लगे तो शायद अपने इलाका कहीं ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्वच्छ लगने लगेगा और यहाँ पर एजुकेशन और मेडिकल की जो कमी हो रही है वो भी भरपूर दिखाई देगी। मैं इतना ही बोलूँगा कि चेंज के लिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑफिस खुला है, आप लोग आइए और अपना जो ज्वाइनिंग ये कीजिए और हम एक चेंज सोसाइटी को चेंज करना है, इसीलिए पूरा समर्थन करें हमारा। थैंक यू सो मच। देखिए जनता के संपर्क में तो हम लोग पहले से ही हैं, जब से हम लोगों का दिल्ली मॉडल स्टार्ट हुआ, जब से हम लोग यहाँ के भी जो हम अपनी लोकेलिटी में बात करते थे तो वहाँ भी लोग चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी यहाँ भी आए, तो काम तो बहुत दिन से चल रहा था यहाँ से। लेकिन ये जनसंपर्क कार्यालय, इसका नाम ही रखा गया जनसंपर्क कार्यालय, मतलब जनता से संपर्क करना, तो हम ऑलरेडी डोर टू डोर कर ही रहे थे। लेकिन ये है कि चूँकि एक वार्ड थोड़ा बड़ा होता है तो उसके लिए एक ऑफिस बनाया गया है। अब यहाँ पे जो भी होंगे, यहाँ पे हमारे विपुल भाई का 208 नंबर का ये यहाँ खुला है, विपुल भाई भी रहेंगे, उनके साथ जो जुड़े हैं वो लोग रहेंगे और यहाँ पे बैठ के जनता के प्रॉब्लम को सुनेंगे और समझेंगे एंड बी सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि अभी हम सत्ता में हैं नहीं, इसलिए हम सिर्फ लड़ सकते हैं, सिस्टम से लड़ सकते हैं, हम किसी इंसान से लड़ने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सिस्टम से लड़ने आए हैं। अभी इस वार्ड में हमने सर्वे किया था तो पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना इशू है कि एक तो आबादी इतनी बड़ी है उस पर से पानी एक घंटे आता है, प्रेशर नहीं के बराबर है। यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारत बन गई, तो प्रेशर कहाँ जा रहा है? तो प्रेशर ऊपर से आ रहा है प्रेशर, और प्रेशर ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जा रही है, ऊंची प्रेशर ऊंचे जगह पे जा रहा है। तो उस सिस्टम से लड़ने के लिए हम यहाँ आए हैं और एक हवा लेके आए हैं। दिल्ली के लोग आज एक एक दिल्ली वालों से पूछिए तो वो कहते हैं हम सुखी हैं। अब वो ये हमको कहने की ज़रूरत नहीं है या हम कुछ उसका कुछ इनको कोई लाभ देने के लिए, लोभ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, बस वो चाहते हैं दिल्ली मॉडल जो वहाँ आया, मिसाल के तौर पे बिजली बिल, हॉस्पिटल, BST बस,
तो जो एक मूलभूत सुविधा है, जो फैसिलिटी वहाँ मिला वो यहाँ मिले, और उसी को लेके उसी एम्बिशन के तहत हम लोग भी जुड़े हैं, और यहाँ पे सब अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं जो भ्रष्टाचार से दूर है, जो करप्शन से बिल्कुल दूर है और करप्शन से लड़ने के लिए तैयार है। बस उसी सिस्टम को लेके, उसी सिस्टम को बदलने के लिए हम यहाँ आए हैं, और हर एक वार्ड में अभी ऑफिस खुल रहा है, हर एक कदम पर ऑफिस खुलेगा, और ये हम लोगों के साथ ये पब्लिक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पब्लिक का सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट के आगे हम इसको आगे लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह दिल्ली बदले हैं, मुंबई भी बदलेंगे।